If visiting Russia, get an invitation letter in cheap price from the link in the description. अभी ये ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए हैं भाई और ये मेरे साथ है अदनान भाई. ये मेरे साथ पूरी जर्नी में है बीजिंग तक. तो इन्हीं के बारे में बता रहा था मैं, मेरे साथ जुड़ेंगे. मैं पीटर्सबर्ग चला गया था, मॉस्को आ गए थे. देख रहे हो ना टाइम, ये तो सब अर्बन के लिए है, हाई स्पीड आ गया है. चलो आ गए होंगे. तो अभी हम जा रहे हैं येकातेरिनबर्ग. यही कहोगे येकातेरिनबर्ग. ठीक है, तो उसके लिए अभी हम ढूंढ रहे हैं प्लेटफॉर्म कहाँ पे. टिकट तो हमने ऑनलाइन बुक कर रखी है जैसे पहले करी थी हाई स्पीड ट्रेन की. तो बाहर आने का, अंदर जाने का आगे से हुआ एंट्री. तो इसमें जाना है हमको, लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन. ग्यारह है ना, 11 है कोच 11. चलो 11 तक चलते हैं. तो अभी ट्रेन तो मिल गई भाई, ये रही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन. इन्होंने तो प्रिंट करा रखे, पर फ़ोन से भी चल जाएगा काम, आराम आराम चल लेते हैं. कोच नंबर 11 है. अब दिखाते हैं आपको ट्रेन अंदर से कैसी है. मैंने बुक कराई है, हमने बुक कराई है सेकंड एसी. सेकंड एसी बोले तो सेकंड स्लीपर क्लास. तो अभी अंदर से दिखाता हूँ पहले, और सारी जानकारी बाद में. पहला नंबर है, 11 तक जाना है. चलो भाई मैं बैग ले लेता हूँ वरना ये थक जाएंगे, यहीं पर लुढ़क जाएंगे. चलो यार, देखने में तो अच्छी लग रही है. ये वाला लग्जरी कोच लग रहा है क्या? कोच क्लास ही होगा. नहीं नहीं, कुछ नहीं है. चलो चलते हैं अभी. ये है ट्रेन अपनी, इस तरफ ब्लू कलर की ट्रेन. अब चलते हैं आगे. ये आ गया 2 नंबर. बंद करता हूँ मैं, ट्रेन के अंदर जाके दिखाता हूँ. तो आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन में भी मेरा लास्ट ही था 10 नंबर, इसमें 11 है, थर्ड लास्ट है इसमें. तो खैर, तो ट्रेन में भी अच्छी तरह दिखाऊंगा. अभी तो 30 घंटे इस ट्रेन में. कल रात को 9 बजे पहुँचेंगे हम येकातेरिनबर्ग. में छाले पड़े हैं कल, ज़्यादा चल रहे मौसम. तो 25 किलोमीटर, आज भी कुछ 3-4 तो हो ही गए होंगे. अब बैठना है बस, सोना ही है. तो खाना है अब, ये पता बैग में क्या है भाई आपके, बताओ. बैग में देखा जाए तो 10 किलो खाना ही है, और मेरे 6 किलो कपड़े बस. मेरा भी ऐसे ही, मेरा 7-8 किलो खाना होगा. और फिर पहुँचते पहुँचते पूरा बैग खाली. हाँ खाली बस, फिर थोड़ा चैन मिलेगा. अब धीरे धीरे ख़त्म करेंगे. अब दिखाता हूँ यार अंदर से. हमने सेकंड क्लास बुक की है, ये मेरे को पड़ी. देखो इसमें सेकंड क्लास में क्या होता है कि लोअर बर्थ डबल प्राइस की होती है लगभग अपर बर्थ से. तो मैंने वीडियोस बनाने के लिए लोअर बर्थ लिया है. और थर्ड क्लास आप लोगे अपर ले लो चाहे लोअर, सारे को सेम रेट है. थर्ड क्लास भी दिखाऊंगा, फर्स्ट क्लास भी और सेकंड क्लास भी. सारी टिकट बुक करा रखे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं. अभी सेकंड क्लास देखो, ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है. ऐसा कंपार्टमेंट है मेरा. अब गलती क्या हो गई, उन्होंने कार नंबर 11 में करा ली बुक और मैंने करा ली कार नंबर 12 में. तो अभी जो यहाँ पे 36 सीट पे आएगा उससे कह देंगे भाई तू कार नंबर 11 में चला जा. चला जाएगा तो ठीक है, वरना देखी जाएगी. अभी सीट तो चेंज नहीं हो पाएंगी क्योंकि इसके कार्ट में दोनों अंकल आंटी हैं और मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि उनकी शायद दोनों नीचे की सीट है. तो ये मेरी गलती थी, कार नंबर 11 ही कहा था, पर मैंने 12 में बुक कर दी गलती से. अब 30 घंटे अलग अलग. वैसे एक दूसरे कार में तो आ सकते हैं, मेरे कार में अभी तक तो कोई आया नहीं है. टाइम देख के बताता हूँ, 45 हो गए, 5 मिनट और हैं अभी मेरे पास. इनसाइड ओके, थैंक यू. अभी जब डॉन लोग आते हैं तो पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व कर देते हैं. कोई नहीं भाई मेरे कंपार्टमेंट में, आराम से सो.
और जो अदनान भाई ने कंपार्टमेंट बुक कराया उसमें एसी नहीं है, इस वाले में एसी है। इसके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे थे 600 रूबल, मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया मैंने करा दिया होगा, तो इसका एसी अब चलेगा मस्त, ओढ़ के सोएंगे। अदनान भाई को मैंने कहा भाई यहीं आ जाओ जब तक नहीं है कोई, वरना फिर चले जाना। और देखते हैं पेप्सी वगैरह बिक रही है, अभी तो ट्रेन चल रही है, मेरे को लग रहा है इंडा 60-70 की ज़्यादा चल रही होगी अभी तो। चादर और एक इससे भी बड़ी चादर, और बिल्कुल सारे नीट एंड क्लीन लग रहे हैं भाई मेरे को, मतलब बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को तो लग रहे हैं नए हैं क्या ऐसा लग रहा है, तो मतलब साफ सफाई काफ़ी है। और ऊपर एक कंबल भी हैं, चार ये कंबल रखे हैं चार लोगों के लिए, उस तरफ ऊपर और भी कंबल हैं, अगर मतलब कंबल को यूज़ कर रहा है तो फिर क्या कहते हैं वहाँ पे सामान रख सकते हो हैंगर वगैरह टांगने के लिए। और अब थोड़ा थोड़ा इसी चल गया तो थोड़ा आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ। और इस गेट का खुलने बंद करने का मैं बताऊंगा, मेरे को तो लगा मैं लॉकआउट हो गया। अभी काफ़ी कुछ सिखाना है आपको, इस वीडियो देखते रहो यार रशियन रेलवेज़ के बारे में। अदनान भाई तो गर्मी में मर रहे होंगे अभी, पर मैं भी इतना सर्दी तो नहीं आ रही, पर चल जाएगा थोड़ी देर में, एसी है मतलब। और हाँ, ये जो आपकी हर कोच में एक अटेंडेंट होगी, वो मतलब आपका पानी वगैरह जूस चाय कॉफ़ी जो भी है सब बेचेंगे, ठीक है। ये पानी की बोतल 500 ml 56 रूबल की ली है मैंने, या फिर कुछ स्टॉप आएगा बीच में उसमें 2-3 खरीद के रख लूँगा, ऐसे देखते हैं। अभी सारा रेट मैं आपको दिखाता हूँ उस मेन्यू का। अभी तक तो डिब्बे में कोई नहीं आया, अभी ट्रेन रुकेगी सीधा 6 बजे 30 मिनट के लिए, और उसके बाद एक और स्टेशन पे 30 मिनट के लिए, उन पे चढ़ सकते हैं बंदे, अगर उन पे नहीं चढ़े ना तो फिर तुम्हारी किस्मत सही है। यहाँ जरूर सोने वाला यार, उस डिब्बे में क्या हाल हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं यार। अरे यार मेरा तुम्हारे पता, मैं बाहर से देख रहा ट्रेन भाई इस डिब्बे में जैसे घुसा गर्मी पूरी, मैं बाहर से देख रहा ट्रेन, तुम्हारी खिड़की खुली हुई, मैंने कहा इनका तो सही है यार, मेरी तो खिड़की पे हमारे को तो मारेंगे ये। मैं कहा मैंने तो डबल पैसे दिए मार रहे हैं, तो फिर मेरे को पता चला अच्छा इसमें एयर कंडीशन है। मैं एयर कंडीशन का बताता हूँ कैसे पता चलेगा। अरे यार कैसे खुलता है, खींचो पहले। तो क्या हो गया इसको, कितना इजी एयर, ये एयर कंडीशन का साइन होता है। तो अगर आप जब टिकट बुक करा रहे हो ना तो इस साइन पे से क्रॉस लगाया ना, मतलब उस वाले कार में एयर कंडीशन नहीं है। और दरवाज़ा खोलने मेरे को सीखना पड़ेगा भाई, मैं तो लिपटा रहता खुलता ही नहीं है भाई, खुलता ही नहीं है, इसका एक नैक है खुलने का। अभी काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, दिखाता रहूँगा। अभी तो अपनी नूडल हम ये इंडिया से लेके आए हुए हैं, इसमें गर्म पानी भरो और खा लो। तुम्हारी पब्लिक पक्का गर्म गर्म, चलो भाई खाते हैं। मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस बुलेट ट्रेन में जो मिला था वही खाया था। भाई लोग आपको दिखाता हूँ डस्टबिन, ये शीशा भी है देखो, लो अब तो आता डस्टबिन, ये देखो ये रहा, मुझे लगा ये सीट है अपना नहीं लाए अपना। और ये दरवाजे हैं जिससे दूसरे उसमें जा सकते हो, जाके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये हमारा दूसरा स्टॉप है, और हाँ ये हमारा दूसरा स्टॉप है, और ये अभी ट्रेन रुकी है 34 मिनट्स के लिए। तो हमने शेड्यूल पूरा देख लिया है, 5 बड़े स्टॉप हैं जिनमें से दूसरा ये है, और 3 छोटे स्टॉप हैं, छोटे मतलब 10 से 15 मिनट के। और इतनी बड़ी बोतल 1.5 लीटर की कितने की लेंगे, 60 की 60, और अंदर मतलब 50 की मिल रही है, नहीं नहीं 56 की, हाँ 56, हाँ 56 की छोटी वाली, हाँ 56 की छोटी वाली। तो ये तो पूछ रहे कितने कितने की, कहते 600। तो मॉस्को में 100 रुपये की छोटी है तो इधर 600 भी लगेंगे ना मेरे को। अरे कैसा लग रहा है इस कंपार्टमेंट में, कैसा लग रहा है इस कंपार्टमेंट में, लग गई है गर्मी है, लेकिन अभी ठीक है, अभी शाम का वक्त है तो थोड़ा तो ठीक है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी 7:42 हो गए मतलब, और मेरा कंपनी भी अच्छा है मुझे बांग्लादेश, मतलब हमको बात कर रहे कितने घंटे हो गए बैठे हुए, 6 घंटे हो गए। चलो इन जो मेरे कंपार्टमेंट में भी बंदे आ गए हैं, एक तो पीछे जो खड़े हैं ये है पुलिस में, ये तो कल उतर जाएंगे 6 घंटे पहले हमसे, तो 6 घंटे तो आगे भाई सो सकते हो, पर वो बहुत मेन स्टेशन है, मे भी कोई चढ़ जाए
नेवी वाली बात है। तो भी इतना भी बैग रखे रखे तुमने? हाँ बैग आके रख देंगे फिर बैठ जाएंगे। तो ये हमारा इंजन भी बदला गया, पहले ग्रीन कलर का था ब्लैक का हो गया। तो दीज वर द अपडेट्स और देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ठंडी भी लग रही, अच्छा लग रहा है अब यहाँ थोड़ा ठीक हो गया। सूरज ढलने को है तो अच्छा लग रहा है। अभी नहीं ढलेगा पर अभी ढलने को है, मतलब 10 बजे चला ही गया। अभी जैसे ही ट्रेन ठुस फुस टर टुर करती है तो भाई अदनान भाई के कान खड़े। मैं कह टाइम पता है तब भी डर रहे हो। सतर्क रहने का यार, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आवाज होता है यार डीडीएल जो नहीं बनाने का यार, यहाँ तो सामान भी चला जाएगा ना। नहीं फिर वो जब भी मैं टूर। अरे भाई मतलब जैसे ही थोड़ा सा ठुस ठुस करो ऐसा लगता है कि भाई चढ़ जाओ ट्रेन में घुस के। पर नहीं यार ये सारे लोग ट्रेन वाले ही हैं। पर ये जो खड़ा है ब्लू शर्ट में, तो बार खड़ी तब तक मैं नहीं, जो ब्लू शर्ट में है तो मेरा रूममेट ही है। हाँ। कैबिन मेट। तो अभी चलते हैं, अभी तो 9 मिनट और हैं, मतलब 32 मिनट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही टाइम हो गया ना। सही यार ठीक है, आराम से स्ट्रेचिंग करो। अब सीधा 5 बजे हैं, थोड़ा खाते हैं पीते हैं। रात को क्या खाओगे? मैगी। कप नूडल्स। मैगी। अरे भाई फिर ये कर रहे हैं। चलो भाई अभी ये वाला कंपार्टमेंट है अदनान भाई का, उसके देख रहे ऊपर शीशे खुले हुए हैं। तो ये 1000 रुपये बता रहा था, सस्ता है ना 1000 रुपये। हाँ और ये वाला मेरा, इसके शीशे खुलते नहीं हैं। तो और इनकी कंपार्टमेंट वाली ने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है, मेरी जो पीछे खड़ी उसने वाइट वाली पहन रखी है। अंतर है ये। एक और अंतर, मेरी वाली को इंग्लिश आती है, आपकी वाली को नहीं आता। अभी अगला स्टॉप है हमारा बड़े वाला, मतलब 10-12 मिनट वाला स्टॉप आएगा। छोटे स्टॉप 1 बजे आएंगे रात को, और बड़े वाला सुबह के 5:20 पे है। मेरे हिसाब से तो मैं उतर जाऊंगा तब तक, मतलब उतर जाऊंगा मतलब ये नहीं कह लेंगे थोड़ा उतर जाऊंगा, बट ट्रेन से हम अभी दूर जा नहीं रहे हैं ज़्यादा। हाँ अभी मतलब वैसे पता तो चल गया कि ये बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल भाई, बिल्कुल मतलब 7:31 का था तो 7:31 पे रुके हैं भाई बिल्कुल। अभी तक तो फन आ रहा है, अब देखते हैं थोड़ा मतलब फन अंदान भाई का वो फीका बढ़ गया जब से पता चला कंपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है इतना तो अभी ठीक है, रात को ठीक हो जाएगा। अभी रात को ठीक है भाई, जब तो जब हम शुरू में घुसे तो अरे पागल पागल हो गया था। क्या लिया ऐसा लग रहा है बॉम्बे लोकल में घुस गए थे। कितने की है? 50 रुपये मेरे को। कितने दिए टोटल? टोटल 120 आपका, फिर 120 सबसे महंगा आपका ही था। हाँ वही हो, जूस ही महंगा होगा। चलो स्टॉप हो गया, अभी हमारा तीसरा बड़ा स्टॉप पर ये ख़त्म होने वाला है। भाई तुम आए नहीं उठाने, मैं तो उठा हुआ था पर ये बाहर खड़े, मैं तो निकला बाहर, मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं, 12 मिनट हैं अभी। लग रहा है हमको इसके साथ बैठ के जाना पड़ेगा, ड्राइवर के साथ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और सूरज देखो कितना ऊपर है। हाँ ये ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। तीसरी बार इंजन चेंज हुआ है तो कुछ ऐसा है भाई। इंजन मोटर निकाल ले, इसकी निकालनी है तो अब ये चलेगी 551 पे, 551 ना। तो अभी तो हैं 12 मिनट, एक ही मिनट में आ गए हमने यहाँ से वहाँ, तो ऐसा कुछ ही नहीं। तुम चलोगे ना अभी? अच्छा हुआ नहीं, चेक किया था क्या? पता नहीं 30 मिनट बोले तो अब तो गया हूँ मैं, अभी चालू हुआ था। अरे बता नींद कैसी आई? ठीक ठाक आई, मतलब अरे रात को मतलब ठंडी आ गई फिर अब अंदर। अरे मैं तो चद्दर निकालनी पड़ गई भाई, ऐसा ऐसी चलाई इन्होंने खड़े हुए थे, चद्दर निकालनी पड़ गई। ये ब्लू कलर का इंजीनियर मस्त लग रहा है ना, ग्रीन कलर का भी लगाएं तो एक बार उसके साथ भी फोटो खिंचवा लें। अलग अलग कलर के इंजन्स। तो हाँ भाई मेरे को तो चद्दर निकालनी पड़ गई, और तुम्हारा भी सही हो गया रूम का टेम्परेचर, बस दिन का ही दिक्कत है अभी। वो मेरे को ऑफिस लगेगी अभी, मेरे जो कंपार्टमेंट में एक बंदा है वो चला जाएगा। कितने बजे था? 3 बजे जाएगा वो, अभी 5 बज रहे हैं। मेरे को लग रहा है 5-10 बजे दोबारा सो जाते हैं, अगला स्टॉप 10 बजे अब तो। तो भाई अगला स्टॉप अब 10 बजे बड़े वाला। मेरे वो तो मस्त कंपनी है, मस्त बातचीत करते हैं।